स्वागत है दोस्तों। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सेशन बड़ा होने वाला है तो आप कंप्लीट देख सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे जो आपके अदर एग्जाम में भी हेल्पफुल होंगे। पहले इसका कुछ तरीका देख लीजिए सॉल्व करने का। यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होता है, आप जानते ही है। 1 घंटे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है जिसमें 40 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और 40 नंबर में कम से कम 20 मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए आपका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आपको OMR शीट मिलेगा, उसमें फीड कर देंगे। इसके बाद आपको मिलेगा सब्जेक्टिव लिखने के लिए, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे। 5 में हर एक क्वेश्चन के अंतर्गत 3-3 ऑप्शन होंगे, ठीक है। उन तीनों को लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 60 और 40 के कॉम्बिनेशन में रहेगा, ठीक। बाकी और कुछ इसमें समझने वाली चीज नहीं है। हम चलते हैं सीधा पेपर पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आप आराम से आंसर दे सकते हैं। इंग्लिश पढ़िए और हिंदी भी पढ़ के आराम से दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हर एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पूछा गया क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन कितना भी आसान हो जल्दबाजी ना करें, ठीक है। और ना जल्दबाजी में आंसर बहुत जल्दी गलत होते हैं, ख्याल रखिएगा। पूछा गया आस्की कोड का पूरा नाम क्या है, ठीक है। आप इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं, ठीक है। जहां समझ में आए। तो ए से होता है अमेरिकन, एस से होता है स्टैंडर्ड, सी से होता है कोड, आई से होता है इंफॉर्मेशन और एक आई से होता है इंटरचेंज। तो इसका जो आंसर होगा बी वाला सही है, ठीक। इसका जो आंसर है बी वाला राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर तरीका पता होगा तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पूछा गया 101 000 11 बाइनरी है, इसका डेसिमल पॉइंट क्या होगा, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान तरीका है। या तो इसको आप बेस मान से सॉल्व कर लीजिए, जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 1 × 2 0, इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक। फिर आपने क्या किया, 1 × 2 1, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, बात समझ आ रही है, 2 हो गया। फिर यहाँ पर 0 का कोई मान नहीं होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर कम नंबर आपको दिए गए हो तो एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 1, जितने इसमें डिजिट दिए हुए हम उतना इस पे कोडिंग लिखेंगे, ठीक है। हमने लिखा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ये स्क्वायर फॉर्मेट में रहता है हमेशा, ठीक है। 8 के पास होता है 16 का उसके बाद होता है 32 के पास होता है। अब यहाँ पे ये नंबर है, आप आराम से इन नंबर को इनके नीचे लिख दीजिए, ठीक है। जैसे हमने लिखा 1, सेम तरीका होगा, इसको अच्छे सॉल्व कर पाएंगे। टाइम टेकन नहीं है, बहुत आराम से आप कर पाएंगे। आपने 1 लिखा, 1 लिखा, 0, 0 और एक और 0 बना लीजिए। यहाँ पर क्या है, 1 है, फिर यहाँ 0 है और फिर यहाँ पे 1 है। तो बहुत आसान है, समझ लीजिए 128 और 32 को जोड़ देंगे, 8 × 2 = 10 होता है, 3 × 2 = 5 होता है, ठीक है। और 5 × 1 = 6 हो जाएगा, यानी 160 हो जाएगा। 128 + 32 = 60 हो जाएगा। 60 में 3 जोड़ देंगे ना, 2 + 1 = 3, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा 163, बात समझ आ रही है। 128 और 32 को जोड़ेंगे 160 होगा। 60 यानी जिस भी नंबर के नीचे 1 लिखा है उस नंबर को हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 128, 32, 60, 62 और 163 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी वाला सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर की ऐसी कौन सी विशेषता है, यानी उसके खूबी है जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से अलग करती है। तो ख्याल रखिएगा एक्यूरेसी, ठीक। अगला क्वेश्चन है नंबर 4। नंबर 4 में पूछा गया है कि कंट्रोल W की से हम कौन सा कमांड परफॉर्म करते हैं। तो ख्याल रखिएगा कंट्रोल W का इस्तेमाल हम करते हैं विंडो क्लोज करने के लिए, मतलब करेंट, जैसे आपने एमएस वर्ड ओपन कर लिया, ठीक है, अब उसमें काम कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं पूरा एमएस वर्ड को क्लोज नहीं करना, केवल इसका जो पेज है पेज को बंद करना। अगर पूरे पेज को पूरा सॉफ्टवेयर बंद करना होता है तो Alt+F4 करते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे केवल डॉक्यूमेंट पेज बंद करने के लिए पूछा जा रहा है, तो हम Ctrl+W का इस्तेमाल करेंगे करेंट विंडो को क्लोज करने के लिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे ओपन पिन डायलॉग नहीं, ठीक है, ओपन तो Ctrl+P होता है, जानते ही है, Ctrl+F12 भी होता है, अपडेट वाला भी ऑप्शन नहीं है, तो क्लोज करेंट विंडो इसका सही आंसर है। यहाँ पे न्यू वाला ऑप्शन पूछा गया है तो Ctrl+N से न्यू होता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो करेंट विंडो को क्लोज करने के लिए हम Ctrl+W का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब पूछा जा रहा है कि जब सिस्टम खराब हो जाए, ठीक है, मतलब अगर खराब होने की स्थिति में है तो फाइल की अगर कॉपी बनानी है तो हम क्या करते हैं। अगर सिस्टम चल रहा है, खराब हो गया,
ठीक है, क्वेश्चन का मतलब यही है कि क्वेश्चन सिस्टम चल रहा है, खराब हो गया, अब फॉर्मेट हो गया, तो फिर अब क्या करेंगे उस सिस्टम को, फाइल को वापस लाने के लिए, तो हम यूज करते हैं रिस्टोर। बैकअप जो यूज किया जाता है वो हम पहले करते हैं, बात समझ रही है, फायरवॉल सेटिंग है। तो यह ख्याल रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिस्टोर करके हम जो सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर मोस्टली डिलीट हुए होते हैं वो कुछ हद तक मिल जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि इनमें से हम कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे जिससे हम लेटर को सेंड कर पाएंगे कई रेसिपिएंट के पास एमएस वर्ड में। तो ख्याल रखिएगा, व्हाट इफ एनालिसिस होता है ये एक्सेल के ऑप्शन में, डेटा मेनू में, गोल सीक फंक्शन भी एक्सेल में मिलता है, शॉर्टिंग वाला, इसे तो हम डेटा का शॉर्टिंग करते हैं, यानी अल्फाबेटिक सीरीज में ऊपर लाना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर नाम से हम डेटा को सॉर्ट करते हैं। लेकिन जो मेल मर्ज होता है ना, मेल मर्ज से हम इसे हम कॉल लेटर बनाते हैं, ठीक है, दो पेज हम लेते हैं केवल, दो पेज से हमने, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, ठीक है, जैसे ये पेज हमारे पास होता है, अगर मेल मर्ज शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए पूछे जाए, पूछे तो अब भी लिख पाएंगे। यहाँ पे ये हमारा होता है एनवेलप, यहाँ पे हम नाम लिखते हैं जिस जहां से भेजा जाता है, और यहाँ पे टू वाला एड्रेस होता है इस पार्ट में, और एक होता है लेटर वाला पेज जिसपे हम लेटर लिखते हैं, बात समझ आ रही है। इस दो पेज से ही हम लाखों लोग का 10 से 20 मिनट के अंतर्गत हम कॉल लेटर बना सकते हैं, बात समझ आ रही है। अगर कॉल लेटर वाला सेशन समझना है, आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप प्ले लिस्ट में जरूर विजिट करिए, एमएस वर्ड सेशन के नाम से है, वहां पे आपको इसके बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो क्या लगे इसका जो आंसर हो जाएगा, मेल मर्ज। ठीक है, मेल मर्ज के माध्यम से हम ये कमांड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर डिवाइस है जिसके माध्यम से हम वेब को एक्सेस करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, हार्डवेयर डिवाइस पूछा गया। तो हम सब जानते हैं ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एफटीपी एक प्रोटोकॉल है, आईआरसी होता है इंटरनेट रिले चैट, ठीक है, एक मीडियम है, लेकिन जो मॉडेम होता है ना, मॉडेम के माध्यम, मॉडेम एक हार्डवेयर है, ठीक है, इसके माध्यम से ही हम नेट यूज करते हैं, नेट चलाते हैं। तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, एमओ से होता है मॉड्यूलेटर, और डीईएम से होता है डीमॉड्यूलेटर, ख्याल रखिएगा इसका, अगर पूरा नाम भी पूछे तभी आप आंसर सही कर पाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर के लिए सबसे बढ़िया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम के लिए सबसे बढ़िया होता है। तो क्लाइंट क्लाइंट के लिए सबसे बढ़िया कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ख्याल रखिएगा, क्लाइंट सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बढ़िया कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है, अक्सर ये भी पूछा जाता है, ख्याल रखिएगा, नेटवर्किंग के लिए सबसे बढ़िया और यूनिक्स ऑपरेटिंग के लिए सबसे बढ़िया, यानी सबसे बेस्ट कंप्यूटर कौन सा फेमस है, कह सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम आईपी एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, साथ में उसका नाम भी होता है साइट का। ठीक है, मतलब ये जैसे हम किसी साइट को सर्च करते हैं, जैसे हमने सर्च किया सरकारी result.com या bsnl.org, ऐसा government.gov.in सर्च करते हैं, तो उसके साथ नंबर भी होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस होता है, हम आईपी एड्रेस से भी सर्च कर सकते हैं किसी वेबसाइट को, लेकिन हम लोग मोस्टली क्या सर्च करते हैं, मोस्टली हम लोग सर्च करते हैं अल्फाबेट से। तो ख्याल रखिएगा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा DNS, DNS के साथ आईपी एड्रेस भी इंक्लूड होता है। ठीक है, DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम, इसके साथ आईपी एड्रेस जुड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रीड ओनली फाइल जो होता है वो कितने को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 777। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 777। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ख्याल रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है उसे ट्रू करते चलिए आगे। ठीक है, जब दोबारा पढ़िएगा फिर उस क्वेश्चन को कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। अब यहां समझिए ध्यान से, पूछा गया है कि जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होता है वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, मतलब उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता है। हाँ, ये बात सही है। देखिए, फ्रीवेयर का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि फ्रीवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर यूज एट नो चार्जेस, मतलब जैसे कि हम लोग गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं फ्री ऑफ चार्जेस। ठीक है,
मोजिला इस्तेमाल करते हैं फ्री ऑफ चार्जेस, यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं फ्री ऑफ चार्जेस, माई एसक्यूएल भी मिल जाता है हमें फ्री ऑफ चार्जेस। बात समझ आ रही है? ये सब चीजें क्या है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, या मोजिला कह सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे आप ट्रू आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पूछा गया है कि जो IPv6 होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें क्या चार फोर ऑक्टल, मतलब क्या पूछा गया कि फोर ऑक्टल डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसमें 8 ग्रुप होते हैं। इसका आंसर आप अच्छे समझिए। देखिए IPv6 जो होता है एड्रेस होता है, जो वो 128 बिट हेक्साडेसिमल नंबर का होता है। ठीक है, और इसमें जो नंबर होते हैं रेंज होता है 0 से 255 के अंतर्गत होता है। ठीक है, 0 से 255। अब बात करते हैं कि जो पूछा गया यहाँ पर कि क्या ये फोर ऑक्टल के डिजिट के बेस पे होता है, ये आंसर तो गलत है। ठीक है, तो इसका जो ख्याल रखिएगा, जो IPv6 होता है, IPv6 फोर करेक्टर, मतलब इसमें फोर करेक्टर रखा जाता है, 16 बिट का होता है। ठीक है, ओके, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया कि कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, मतलब ऑप्शन दिया इसमें कि मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, तो ख्याल रखिएगा, हाँ ये बात सही है, ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब ये कह सकते हैं कि जब भी हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रांसलेट कराते हैं, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर के का जो अंडरस्टैंडिंग होता है लैंग्वेज, वो होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, इसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया नंबर 4 में कि मैग्नेटिक टेप क्या रैंडमली एक्सेस मेथड का इस्तेमाल करता है? नहीं, जो मैग्नेटिक टेप होता है वो सिक्वेंशियल पे काम करता है, मतलब मैग्नेटिक टेप आपने देखा है ये वाला, ठीक है, रेडियो वाला आपने देखा तो होगा ना, ये रील वाला मैग्नेटिक टेप। ठीक है, इसमें रील होता था, ये आराम से चलता था, सिक्वेंस टाइप चलता था। ठीक है, रैंडमली नहीं यूज किया जाता था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया GNU Linux इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू या फॉल्स? ठीक है, देखिए हम सब जानते हैं जो लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइसेंस फ्री। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6 पूछा गया, जो ऑब्जेक्ट कोड होता है, क्या ये एक कंपाइलर इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? तो ख्याल रखिएगा, हाँ, जैसे ऑब्जेक्ट कोड मतलब आपने जावा का प्रोग्राम रेडी कर लिया, HTML का प्रोग्राम रेडी कर लिया, ठीक है, तो हम जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करके मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन कंपाइलर के बारे में थोड़ा और जान लीजिए, कंपाइलर होता क्या है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज जो कोड होते हैं उन कोड सोर्स को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ एक और काम होता है इसका, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ पूरा चेक कर लेता है ना, एक बार में पूरे प्रोग्राम को चेक कर लेता है, ये इसकी खूबी है कंपाइलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर सेवन पूछा गया है कि यूनिक्स एक फ्री रिलायबल अल्टरनेटिव टू विंडोज XP? हाँ, इसका यस, मतलब यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फ्री भी है, ठीक है, रिलायबल भी है, इसका जो आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, पूछा गया फोर जनरेशन लैंग्वेज आर टाइपिकली नॉन प्रोसीड्यूरल, तो नौ का जो आंसर हो जाएगा ट्रू। इसका मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा, जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है ये इंग्लिश लाइक वर्ड यूज करता है, ठीक है ना, इसलिए बोला जाता है नॉन प्रोसीड्यूरल, इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्ट फाइल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ट्रू। नंबर 10, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर बोथ पॉइंटिंग डिवाइस। देखिए लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन से हम और जैसे पढ़ाने का काम किया जाए वो होता है, या हमारे पास कह सकते हैं LED है, ठीक है, टच स्क्रीन वाला, उस पर पढ़ाना है तो हम लाइट पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, स्केच बना सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं। जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक गेम कंट्रोलर होता है, गेम कंट्रोलर से हम क्या करते हैं, कोई गेम खेल रहे उसको कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस। अगर पूछा जाए क्या माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है, हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक, मैचिंग वाले सवाल सॉल्व करने के लिए एक चीज ख्याल रखिएगा, आपके पास पेंसिल और रबर दोनों होना चाहिए, जल्दबाजी न करिएगा। इस क्वेश्चन को आप 3 बार सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो क्वेश्चन समझ में आए उसको पढ़िए, क्योंकि इसमें ऑप्शन 2 या 3 एक्स्ट्रा होते हैं,
आपको ऑप्शन अलग अलग करने हैं, बात समझ रही है। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन सॉलिड लग रहा है उसको ओके कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा पेंसिल से, ठीक। एक बार पढ़ लिया आपने, पढ़ते हुए जाए जो आंसर लगा, ठीक ओके। अब शॉर्ट हो जाएगा जब, फिर दोबारा पढ़ेंगे, दो बार में शॉर्ट कर लेंगे, दो तीन क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा और भी। फिर आखिरी में, लास्ट में आपको अलग अलग ऑप्शन दिख जाएंगे, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ऑप्शन खुद समझ में आ जाएगा, इस बात को ख्याल रखिएगा। 3 बार में सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में हम देख लेते हैं। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें जो डेटा होता है डिस्प्ले किया जाता है ग्रिड फॉर्मेट में, ठीक है, जिसकी जो क्षमता होती है कैलकुलेटिंग की न्यूमेरिक डेटा, मतलब ग्रिड फॉर्मेट मतलब आप सब जानते हैं कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन बनते हैं टेबल, ठीक है। इसी को जो एक्सेल होता है स्प्रेडशीट, इस लाइन को बोलते हैं ग्रिड लाइन, ठीक है। ऐसा कौन सॉफ्टवेयर है जिसके पास ग्रिड लाइन की क्षमता भी होती है, जो रिकैलकुलेटिंग भी करती है? तो ऑप्शन यहाँ पे समझ लीजिए ध्यान से, कौन सा हो सकता है, जैसे ही ऑप्शन आपको खोजना होगा। और एक देखिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है, एमबीपीएस सॉफ्टवेयर, कीज, एडिट, डेटा ट्रांसफर एल्गोरिदम, हम जानते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक्सेल वाला ऑप्शन। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के पास ये क्षमता होती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा, के, ओके, के वाला ऑप्शन इसका राइट होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब पूछा जाता है कि ऐसा कौन सॉफ्टवेयर है जो या दो से अधिक एप्लीकेशन को आपस में जोड़ता है, ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक एप्लीकेशन को जोड़कर, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग को स्प्रेडशीट से जोड़ेगा, ठीक है, और उसमें डेटा को ट्रांसफर करके डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। ये प्रोसेस उसका होता है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज के पास, ठीक है। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मतलब जैसे इसमें कई सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, एक्सेस भी इसके अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, पूछा गया इसमें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई स्टेप बताइए, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, मतलब नंबर दिए गए और उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लिया जाता है। यहाँ ख्याल रखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अच्छा तरीका होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जब हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सी लैंग्वेज में एक होता है फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट डायग्राम के माध्यम से सॉल्व किया जाता है किसी भी प्रोग्राम को, ठीक है। और एक होता है एक प्रोसेस एल्गोरिदम जो नंबर के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। यूट्यूब का जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है एल्गोरिदम बेस से बना हुआ है। तो इसका जो इसका आंसर हो जाएगा देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आई, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा एल्गोरिदम, ठीक। मतलब पूछा गया है कि नंबर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा कौन सा रूल, सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, तो आंसर उसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो डायल अप मॉडेम होता है उसका मेजरमेंट जो किया जाता है किस वे में किया जाता है, मतलब उसको कैसे मापा जाता है। हम सबने नोटिस किया होगा जब हम लोग किसी से सेरिट वगैरह से डेटा ट्रांसफर करते हैं तो एमबीपीएस में जाता है, केबीपीएस में जाता है, ठीक है। तो इस बार जो डायल अप मॉडेम होता है इसका जो मेजरमेंट होता है वो केबीपीएस में किया जाता है, ख्याल रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा एम वाला सही होगा, ठीक है, मतलब नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा केबीपीएस, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पूछा गया है कि विच मेनू इंक्लूड द कमांड फाइंड, मतलब अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है फाइंड कमांड जो होता है किस मेनू में अवेलेबल होता है। हम लोग आ गया है ऑफिस 2019 यानी कहते हैं 365, ठीक है, और क्वेश्चन किसे पूछा गया है 2003 से, ठीक है, 2003 तो कितने लोगों ने देखा भी नहीं होगा, 2007 तो पढ़ाया जाता है नॉर्मली किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो फाइंड जो कमांड होता है वो 2003 के एडिट कमांड एडिट मेनू में होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है एडिट मेनू, ओके। वैसे अब जो 2007 के बारे में बात करें तो फाइंड कमांड होता है होम मेनू में एडिटिंग वाले ऑप्शन में, ठीक है, ओके। तो ये नया क्वेश्चन नहीं, काफी पुराना क्वेश्चन है, ख्याल रखिएगा इस बात का। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीडी रोम, जो सीडी रोम का जो लेबल होता है जिसमें लेबल 52x लगा होता है उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है डेटा ट्रांसफर रेट, सीडी रोम ड्राइव में जो लेबल लगा होता है, ठीक है, उसका जो 52x लगा लिखा हुआ है मेजरमेंट होता है वो डेटा ट्रांसफर रेट में काउंट किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोस, बायोस क्या है पूछा गया है। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसे हार्डवेयर के रूप में काउंट किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एल, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा एल।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिलेशनल डेटाबेस है जो टेबल से लॉजिकली लिंक होता है किसी अदर से भी, ठीक है। मतलब इसका यह है कि ऐसा कौन सा कमांड है जिसके माध्यम से जो टेबल होता है एक दूसरे से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो तीन जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर है, जब रिलेशनल डेटाबेस का क्वेश्चन पूछा गया है तो ख्याल रखिएगा यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ना, और एकल भी उसी के अंतर्गत आता है, ठीक। डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चन आपको दो तीन बार में सॉल्व करना है ना, देखिए की भी डेटाबेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको अलग अलग क्वेश्चन छोड़ करके बाकी बाकी सॉल्व करना पड़ेगा ना, बारी बारी सॉल्व करिएगा समझ में आ जाएगा। तो रिलेशन दो टेबल के बीच में बनाना है तो हम कीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा कीज, ठीक, यानी एफ इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम वेब पेज का जो कंटेंट होता है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। तो ख्याल रखिएगा वेब पेज पे अगर हमें कोई भी अच्छा सा तस्वीर रेडी करना है तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नंबर 9 का, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉपुलर RDBMS कौन सा है। तो पॉपुलर RDBMS का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया ऑप्शन, पहला तो की ऑप्शन था ना, ठीक है, वो तो दूसरे लेबल जोड़ने के लिए था टेबल को, लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका जो आंसर हो जाएगा ओरेकल, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं हम फिल इन ब्लैंक वाला क्वेश्चन। फिल इन ब्लैंक वाले क्वेश्चन में क्या करना होगा आपको, आपके पास पेंसिल होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर आपको क्वेश्चन 3 बार में सॉल्व करना है क्योंकि क्वेश्चन 10 है और ऑप्शन है 12, तो आपको पहले शॉर्ट आउट करना है पहली बार, दूसरी बार, फिर तीसरी बार में कंफर्म कर लेना है, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस क्रिएट करता है, एक रिलेशन बनाता है। तो ख्याल रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस क्रिएट करता है और ये सबको कंट्रोल और मैनेज करके रखता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एच। अगले क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि वो कौन सा स्टेज है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इनपुट प्रोसेसिंग के बाद आता है, ठीक है, मतलब इनपुट दिया जाए फिर प्रोसेस हो जाए, तो प्रोसेस के बाद जाहिर सी बात है आउटपुट आता है। जैसे हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड से इनपुट करेंगे, ये रहा सीपीयू, सीपीयू में प्रोसेस होगा, उसके बाद ये आपके पास जो पीसी होगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, मास्टर मेमोरी, जब आप कीबोर्ड से यहाँ लिखते हैं तो ये इनपुट कहलाता है, सीपीयू में जाएगा तो प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद क्या होगा आउटपुट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसका एम आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि जो मैग्नेटिक टेप होता है उसका एक्सेसिंग मेथड, मतलब इंफॉर्मेशन का एक्सेस करने का क्या मेथड होता है। तो क्या लगेगा, जैसे कि मैंने पिछले सेशन इससे पहले मैंने बताया था, ये मैग्नेटिक टेप होता है, इसमें रील होता है, रील हमेशा सिक्वेंस में चलता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्वेंशियल, मतलब आई वाला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, प्रोग्राम है जो ट्रांसलेशन काम करता है न्यूमेरिक कोड्स स्टेटमेंट को। न्यूमेरिक कोड्स मतलब यहाँ पे कह सकते हैं जैसे कि लिखा जाता है सबस्ट्रक्शन, ठीक है, या एडिशन लिखा जाता है, तो एडिशन में क्या तरीका होता है, ADD लिख दिया जाता है ना, उसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखना, या सबस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो वहां पे लिख देते हैं SUB, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिक कोड स्टेटमेंट का एक्सिक्यूटेबल जो फाइल होता है, प्रोग्राम होता है, इसे कहते हैं हम लोग असेंबलर, ठीक है, इसका ऑप्शन है एल वाला सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर 5 पूछा गया है कि ऑक्टल का बेस मान क्या होता है। ऑक्टल का बेस मान होता है 8, जिसमें इसमें जो रेंज इसका होता है 0 to 9, ठीक है, जैसे कि बाइनरी में होता है 0 to 1, हेक्साडेसिमल में होता है 0 to 9, सॉरी डेसिमल में होता है 0 to 9, हेक्साडेसिमल में होता है 0 to 9 और A to F होता है, ठीक है, वैसे ही ऑक्टल में होता है 8 और इसका मान 0 to 7, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नंबर 5 का F। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 देखेंगे, यहाँ पूछा गया है कि इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो डेटा डेटा
कि ऑर्गेनाइज हो जाने पर या उसके प्रेजेंट हो जाने पर मीनिंगफुल रिजल्ट बना देता है। ठीक है, मीनिंगफुल जब भी रिजल्ट बनेगा तब इसे हम क्या कहेंगे? तो ख्याल रखिएगा नंबर ई वाला जो ऑप्शन होगा इसमें, ई मतलब इंफॉर्मेशन। क्योंकि हम सब जानते हैं जब कोई डेटा हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं सीपीयू में जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा, प्रोसेसिंग के बाद वो बन जाता है एक इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर सात देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सात में यही पूछा गया है कि जब हम एक्सेल पे काम करते हैं उसमें एक ऑप्शन होता है कस्टम व्यू। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि उस सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर से उस प्रोग्राम को हम एक ही टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कौन सा कंप्यूटर है? तो ख्याल रखिएगा हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के माध्यम से एक ही टाइम में एक ही सॉफ्टवेयर पे कई लोग काम कर सकते हैं मेन फ्रेम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, पूछा गया है इसमें आठ नंबर में कि ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जो स्मॉल इमेज दैट रिप्रेजेंट अ फाइल, एक स्मॉल इमेज दिखाई देता है जो कभी एक फाइल को दर्शाता है, कमांड भी हो सकता है या कंप्यूटर फंक्शन हो सकता है। तो ख्याल रखिएगा स्मॉल इमेजेस मतलब जो एक फाइल हो, तो स्मॉल इमेजेस फाइल का मतलब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आइकन, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम नंबर नाइन। पूछा जा रहा है अ मेमोरी दैट रिक्वायर रिफ्रेशिंग ऑफ डेटा इज, मतलब इसका ये है वो कौन सी मेमोरी है जिसे डेटा रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो हम सब जानते हैं डेटा रिफ्रेश किसमें हो जाता है, हम सब जानते हैं स्टैटिक होता है एक पोजीशन जिसमें चेंजेबल नहीं होता है, और डायनामिक जो पोजीशन होता है वो चेंजेबल होता है। ठीक है, तो नाइन का जो ऑप्शन हो जाएगा डायनामिक रैम। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा के वाला सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर टेन। टेन में पूछा गया है अ प्रीडिफाइंड डॉक्यूमेंट और विजार्ड फॉर फिल इन द ब्लैंक क्रिएशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, मतलब ये है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट या एक ऐसा विजार्ड जिसे जिसमें हम फिल इन ब्लैंक वाला ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट वो होता है मतलब एक रेडीमेड फॉर्मेट बना होता है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट। ठीक है, जैसे कि हमें एक रिज्यूम बनाना होता है या कॉल लेटर कुछ भी हमें बनाना हो, ठीक है, तो हम जब न्यू बटन पर क्लिक करते हैं ऑफिस के, तो वहां पे हमें एक अलग अलग डिजाइन का टेम्पलेट मिलता है। आपको बजट का शीट बनाना है, सैलरी शीट बनाना है, तो अलग अलग शीट मिलता है, तो वो कौन सा ऑप्शन होता है जो विजार्ड के साथ खुलता है? तो ख्याल रखिएगा वो एक टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट विजार्ड के साथ खुलता है। और टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट में रेडीमेड कलर होते हैं, मतलब कह सकते हैं ऑलरेडी प्रीडिफाइंड कलर साइज ये सब चीज में सेट होते हैं। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर इंटरनेट एंड बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आपका आंसर राइटिंग पूरा पूरा है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अगर नहीं भी होगा तो आप देख लीजिएगा, बाकी पूरे क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे।